दोस्तों हम लोग पहुंच चुके घंट के पास और यहाँ विष्णु भैया दे रहे हैं आत्मा को। और देखिए दोनों जाएगा, अभी हम चढ़ाने जाएंगे और ये हम खाएंगे और हमें इस लोटे में ही पानी पीना है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, और मैं मिस्टर विष्णुराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज दोस्तों है दाह संस्कार के बाद पहला दिन, जो कि 3 दिन में बार बनाया जाएगा। पहले 10 दिन लगते थे, अब 3 दिन में बार बनाया जाएगा। और आज जो है अभी खाना बनाया जाएगा दोस्तों, जो कि बौरका का भात कहते हैं। क्या कहते हैं? बौरका का भात मतलब बेकार भात कहते हैं, जो कि दोस्तों हम खाएंगे। और इधर युवराज है, वो भी खाएगा दोस्तों, महादेव खाएगा, हमारे पिताजी खाएंगे और लोलो खाएगा, सब लोग मिलके खाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे इनकी जो पतोह हैं, हमारे मौसी की जो अनुज की वाइफ है, आज ये लकड़ी आग लगाएंगी, मतलब और ये आग अगर धराएंगी तो दोस्तों फिर अगले बार ये नहीं धराएंगी, मतलब बार जिस दिन बनेगा उस दिन ये नहीं धराएंगी। और यहाँ पे ये दाल है, ये दाल दोस्तों बनाया जाएगा और किस तरह अभी खाने को मिलेगा हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे मौसी हैं। मौसी का बना था दाल भात, एक का कही जाला बेकर का हाँ। मतलब आज के दिन ही बनी है बिहान से? आज बेकर का बना था, बिहान का बोल रहे हैं, बिहान नहीं परसों गुबार बनी, तो गुबार एक दिन बनी है। बिहान हमें खाना बनाए परी बनी, रोटी दाल भात रोटी सब्जी पूरी है हाँ। अभी सुबेरे हमें खाना बनाए पड़ी ना हाँ। अभी दोस्तों यहाँ देख सकते खाना बन गया। मालती इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बौरका के भात, बेकार भात इसको कहते हैं दोस्तों। और चावल ही कुछ अजीब तरीके से बना है। और यहाँ पे दोस्तों चोखा लगाया जा रहा है, देख सकते हैं, जो कि अभी रेशमा लगा रही है। और ये आलू ऐसे है, और वो दाल है ना दोस्तों, मतलब पहले जब आप लोग लाश को जला के आते हैं तो इस तरह का आपको डिश दिया जाता है। मतलब हमारे यहाँ आपके यहाँ कैसे दिया जाता है तो हमको नहीं पता है, लेकिन पहले इसे बेकार भात कहते, थोड़ा और दही दिया खावे, वही खाना है ना? नहीं खाई। अच्छा, ये दोस्तों खाने के बाद चढ़ाने के लिए ले जाना है दो जगह, जैसे मौसा के लिए और जो छोटा बच्चा है उसके लिए। और दाल की जो क्वालिटी है दोस्तों, बस ऐसे बनाई गई है, उसमें कुछ नहीं पड़ा है। और चलिए दोस्तों लेते हैं। और आप लोग बताइए कि लाश जलाने के बाद आते हैं शाम को आपके यहाँ कैसे होता है, आप लोग बताइएगा जरूर दोस्तों। सब लोग देखिए, जिसे कहते हैं बेकर का चावल, सब लोग खा, जिसे कहते हैं बेकर का चावल सब लोग खा रहे हैं। और यहाँ पर निकाला हुआ है, एक निकाला गया है, मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों जाएगा, अभी हम चढ़ाने जाएंगे और ये हम खाएंगे, और हमें इस लोटे में ही पानी पीना है। और यहाँ से देख सकते हैं, वहाँ हमारे पिताजी खा रहे हैं, महादेव खा रहा है, लोलो खा रहा, हम खा रहे, नाना खा रहे हैं। और अभी खाने के लिए गिलास, हाँ वही चीज बताइए। लेकिन वो पनिया होता ना, तुम पिएगा, इतना पीना कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं, खाते हैं। ए रेशम उठा ले भी बाबू के बोला किनारे। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके घंट के पास और यहाँ विष्णु भैया दे रहे हैं आत्मा को। और देखिए बगल में घंट है, पेड़ में बांधा गया है, और इधर पानी पिला रहे हैं। आइयो पानी ले ले। और दोस्तों इस चीज़ के बारे में हम लोग को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोग बता रहे हैं वैसे हम लोग कर रहे हैं। ये दादाजी हमारे, पापा जी। चलिए चलिए।